हे गाइस व्हाट इज अप, स्वागत है आपका मेरे शाक कूटे के एवरीथिंग में। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लैश के सीजन 7 एपिसोड 14 के बारे में। और जहाँ तक मेरा कहना है, ये सो फार द वर्स्ट एपिसोड था अभी तक का सीजन 7 के अंदर। मतलब मुझे लग रहा था कि पिछले एपिसोड से शायद जो शो है वो थोड़ा स्लो होता जा रहा है, लेकिन इस एपिसोड में आके इन्होंने पूरे शो की ऐसी की तैसी कर दी है। और मेरे हिसाब से ये सो फार द वर्स्ट एपिसोड था, बट अगला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस एपिसोड के ब्रेकडाउन के लिए और अगले एपिसोड के थोड़े से सिनॉप्सिस के लिए तैयार रहना। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है रेओ देलू और एलेग्रा के लड़ते हुए, मतलब ये दोनों लड़ रहे होते हैं और एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है इस बारी। और यहाँ पर एक पागल सा डॉक्टर होता है जो रेओ देलू को कमांड दे रहा होता है कि अपनी बहन को मार दो, और वो जस्ट अपनी बहन को लगभग मारने ही वाली होती है, मतलब वो मारने की कोशिश भी कर रही होती है और एलेग्रा वहाँ पे नॉकडाउन हो जाती है। और फिर हमें दिखता है 12 आवर्स अर्लियर की फुटेज, मतलब 12 घंटे पहले की फुटेज दिखती है हमें कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ है। और हमें यहाँ पर दिखता है कि बेरी एक वेकेशन पे जा रहा है आयरिस के साथ, और यहाँ पर बेरी किलर फ्रॉस्ट एलेग्रा और चेस्टर को यहाँ का लीडर बना के जा रहा है अभी फिलहाल के लिए, जब तक बेरी वेकेशन पर है। और वो डिस्कस कर रहा होता है कि वो वेकेशन क्यों ले रहा है, क्योंकि इतना कुछ हो गया है और आयरिस मिररवर्ड से बाहर आई है और बेरी अभी अभी एक मास्क में फंस के बाहर आया है। तो चेस्टर उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ऐसा ऐसा हुआ तो इसलिए बेरी हो सकता है शायद वेकेशन ले रहा है, और बेरी कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और आयरिस और मुझे काफ़ी टाइम नहीं मिल रहा है अपने साथ, और जो हमारा प्लान है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब प्लान से उनका मतलब था जो उनकी फैमिली स्टार्ट करने का प्लान है वो नहीं कर पा रहे हैं। और इस एपिसोड के अंदर हमें आयरिस एक भी बार नहीं दिखी एक भी बार, और बेरी सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग में दिखता है। तो यहाँ पर बेरी लीव कर देता है स्टार्टिंग में, और फिर यहाँ पर एलेग्रा को मैसेज आता है अपनी बहन से, मतलब अल्ट्रावायलेट से उसको मैसेज आता है कि वो यहाँ पर है एक मिशन के लिए, ठीक है। तो एलेग्रा सोचती है कि शायद जैसे बेरी विलन्स को रिडीम करता है वो भी अपनी बहन को रिडीम कर सकती है, और वो फ्रॉस्ट से पूछती है कि अगर वो कुछ काम कर रही है तो उसको ज्वाइन कर सकती है, लेकिन फ्रॉस्ट कहती है कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। और वो चेस्टर को भी नहीं बताती है कि वो किस काम के लिए जा रही है, और वो जाती है सीसी जिटर्स में और वहाँ पर वो बैठी होती है, प्लान डिस्कस कर रही होती है कि वो अपनी बहन को कैसे ढूंढे। और उसके बाद हमें दिखता है जो और सिसील, मतलब पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि सिसील मास्क से बाहर आई है, उस साइकोपायरेट के मास्क से बाहर आई है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि जो सिसील से वही चीज़ डिस्कस कर रहा होता है कि क्रेमर का एक आर्मी फ्रेंड था, मतलब जिसने उन सारे ही आर्मी एजेंट्स को एम्बुश के अंदर लीड किया था, तो उसका नाम एडम क्रेक था, और पता नहीं कैसे बट जो के पास इसकी एक रिकॉर्डिंग होती है, उसकी और क्रेमर की एक आर्गुमेंट की रिकॉर्डिंग होती है, और वो कहता है कि क्रेमर कुछ तो है जो नहीं बता रही है हम लोगों को, और वो हमसे कुछ बहुत ही बड़ा छुपा रही है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि चेस्टर और एलेग्रा कॉफ़ी पी रहे होते हैं, मतलब चेस्टर एलेग्रा से सीसी जिटर्स पे मिलने जाता है, और वहाँ पर वो अपने D&D के बारे में डिस्कस कर रहा था, मतलब वो एक गेम है तो उसके बारे में डिस्कस कर रहा होता है। और एलेग्रा चेस्टर को बताती है कि उसकी बहन एस्पिनोज़ा या फिर अल्ट्रा वायलेट सेंट्रल सिटी के अंदर है, और वो फिर से शायद किसी का खून करने आई है और उसको उसकी हेल्प चाहिए उसको रोकने में, और साथ ही साथ उसको रिडीम करने में, जैसे कि बेरी करता है विलन्स के साथ। बट चेस्टर उसको समझाता है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बेरी के पास उसकी स्पीड है और अभी तुम सिर्फ एक नूब हो, मतलब इन द सेंस उसको अपनी पूरी पावर्स की पोटेंशियल नहीं पता अभी एलेग्रा को। और उसी टाइम हम देखते हैं कि पीछे आ जाती है अल्ट्रा वायलेट, मतलब जैसे कि उसको सब कुछ पता ही हो कि वो यहीं पे मिलेगी, और अल्ट्रा वायलेट बहुत ही मस्त सा डायलॉग मारती है, इतना सही डायलॉग था ना यार, मैं तो सोच रहा था कि अब मैं लोगों को यही डायलॉग मार के डराऊंगा। उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि एलेग्रा और अल्ट्रा वायलेट बहुत ही बुरी तरह लड़ रहे होते हैं, और पीछे से सू डियर बॉर्न आ जाती है एलेग्रा और चेस्टर को बचाने, और चेस्टर का इसी बीच हार्ट टूट जाता है, मतलब वो एलेग्रा को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसके बाद सू डियर बॉर्न एक प्लान बनाती है जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट को पकड़ सकें, और अल्ट्रा वायलेट को वो लोग पकड़ भी लेते हैं, जहाँ पर अल्ट्रा वायलेट एक डॉक्टर का पीछा कर रही होती है जिसने उसको बनाया, मतलब जिसने उसके साथ ये चीज़ करी उसका पीछा कर रही होती है, और सू डियर बॉर्न और एलेग्रा उसको पकड़ लेते हैं और स्टार लैब्स के सेल के अंदर बंद कर देते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, मतलब उसका प्लान लैन पूछते हैं, और सू डियर बॉर्न उसको थ्रेटन भी करती है कि अगर तुम हमसे बात नहीं करोगी तो तुम सीधा CCPD से बात करोगी। तो इसी के साथ वो बताना शुरू करती है और वो बोलती है कि मैं उसी डॉक्टर का पीछा कर रही थी जिसने मेरे को मतलब जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, और उसने मेरे साथ ये चीज़ें भी करी हैं, मतलब वो अपने गले पे कुछ नाइफ के निशान दिखाती है।
और जिससे एलेग्रा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि हम इसके साथ मिलकर उस डॉक्टर को मारने चाहेंगे, मतलब नॉट इन द सेंस मारने बट हाँ उसको पनिश तो करेंगे ही। और सुडेव बॉन कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, लेकिन एलेग्रा उसकी बात नहीं मानती है और वो उसके साथ ट्रेनिंग के लिए चली जाती है, मतलब अल्ट्रा वाले के साथ ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। और जब वो स्पीड लैब में ट्रेनिंग कर रही होती है तब चेस्टर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, मतलब उसका जो राइट हैंड का शोल्डर है डिसलोकेट हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेज जाता है क्रिश्चियन क्रेमर के पास उसके फाइल के बारे में डिस्कस करने, मतलब जो उसकी एम्बुश वाली फाइल है। और क्रेमर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पागल सी हो जाती है और चिड़चिड़ी हो जाती है और जो को बोलती है कि गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन। और जो यहाँ पर समझ नहीं पाता कि क्रेमर के साथ क्या हो रहा है और वो एक बार ही क्रेमर को बोलने की भी कोशिश करता है कि मैंने सोचा कि तुमसे बात करना पहले ज़्यादा अच्छा रहेगा और कैप्टन सिंह के पास अगर मैं सीधा गया तो हो सकता है कि तुम अपना बैच ही नहीं खोदोगी और तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ बुरा हो। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, तो इसी से हमें पता लगने लगा था यहाँ इसी पॉइंट पर कि वो कुछ ना कुछ बड़ा छुपा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुडियरबॉर्न एलेग्रा को समझाती है कि कुछ लोग शायद रिडीमेबल नहीं होते। बैरी भी सिर्फ लोगों को समझाता है बट कुछ विलन्स को बैरी भी नहीं समझा पाता है। और एलेग्रा बोलती है कि जब मैं पहली बार टीम फ्लैश से मिली थी तब मेरे हाथ में हैंडकफ्स थे और जब पहली बार तुम टीम फ्लैश से मिली थी तब तुम एक बैंक रॉबरी कर रही थी, तो इस टीम ने हर किसी को चांस दिया तो मेरी बहन को क्यों चांस ना मिले। और फिर एलेग्रा की बहन अल्ट्रा वायलेट उस डॉक्टर को ढूंढ लेती है ऑन हर ओन और एलेग्रा सुडियरबॉर्न को कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी बहन के पीछे जाऊंगी और वो जाती भी है। और हमें दिखता है कि अल्ट्रा वायलेट को वो डॉक्टर मैनिपुलेट कर लेता है और उसको एक किलिंग मशीन में कन्वर्ट कर देता है। और सुडियरबॉर्न और एलेग्रा अल्ट्रा वायलेट से लड़ने जाते हैं और हमें यहाँ पर दिखता है कि सुडियरबॉर्न कुछ गार्ड से लड़ रही होती है और एलेग्रा अल्ट्रा वायलेट से लड़ रही होती है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और दिखती है कि एलेग्रा अपनी फुल पोटेंशियल पे पहुँच जाती है, मतलब जो उसकी पावर्स हैं उसकी फुल पोटेंशियल पे पहुँच जाती है, जहाँ पर एपिसोड के स्टार्टिंग में वो एक बीम भी नहीं छोड़ पा रही थी अल्ट्रा वायलेट जैसे, लेकिन अब वो अल्ट्रा वायलेट से भी पावरफुल है। और वो पूछती है केटलिन से क्या ये परमानेंट है, बट केटलिन कहती है कि नहीं, जब कोई स्ट्रेस में होता है तब उनकी पावर्स उनके सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होती है और तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ और मेरे साथ और फ्रॉस्ट के साथ भी ये चीज़ बहुत बार हुई है। उसके बाद एलेग्रा जाती है अल्ट्रा वायलेट के पास और वो बात कर रही होती है कि कैसे केटलिन ने उसको बताया कि वो एक बारी को ठीक हो सकती है, मतलब अगर केटलिन थोड़ा सा ट्राई करे तो अल्ट्रा वायलेट को पहले जैसा बना सकती है जैसी वो पहले थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रिश्चियन क्रेमर जो को इनवाइट करती है कहीं मिलने के लिए और वो अपनी इमोशनल सैड स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसको भी नहीं पता था कि एडम मिला हुआ है और वो एक एम्बुश की तरफ लीड कर रहा है मेरी पूरी आर्मी को और मेरी जिम्मेदारी थी उन सारे सोल्जर्स को ज़िंदा रखने की और मैं वहाँ पर फेल हो गई और मैं 6 साल से उस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब एडम कर्क को ढूंढने की कोशिश कर रही है क्रिश्चियन क्रेमर और वो इसीलिए इतनी हार्श है ताकि और किसी के साथ ऐसा कभी ना हो, इसलिए वो मेटाह्यूमंस के साथ ऐसा करती है कि उनको क्योर फोर्स करती है कि वो लोग क्योर ले लें और ताकि और किसी सिटीजन या फिर और किसी आर्मी सोल्जर्स के साथ ऐसा ना हो और उनकी फैमिलीज़ को ऐसा ना करना पड़े। तो यहाँ पर कृष्ण क्रेमर का भी शायद जो प्लॉट है वो इस एपिसोड में पूरा हो गया है, लेकिन हम आगे ये देखेंगे कि जो और कृष्ण क्रेमर कैसे एडम को पकड़ते हैं ताकि वो उसको पनिशमेंट दे सके जो उसने उसके साथ और उसकी आर्मी सोल्जर्स के साथ किया था उस चीज़ की। और मैं नहीं जानता कि कृष्ण क्रेमर का प्लॉट आगे कितने एपिसोड्स और चलने वाला है, बट मैं एक चीज़ ज़रूर जान गया हूँ इस एपिसोड से कि शायद सुडियरबॉर्न हमें 1-2 एपिसोड्स में और दिखे या फिर एंड ऑफ दिस सीज़न तक दिखे और अगले सीज़न में वो भी टीम फ्लैश का एक पार्ट बन जाए, क्योंकि अब जबकि रैल्फ नहीं है शो का एक पार्ट तो हो सकता है कि सुडियरबॉर्न इस शो का पार्ट बन जाए। और हम देखते हैं कि लास्ट में चेस्टर और एलेग्रा बात कर रहे होते हैं और इतने में ही बैरी आ जाता है और बैरी कहता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है क्या, और चेस्टर और एलेग्रा बोलते हैं नहीं नहीं नॉट मच, तुम बताओ तुम्हारा वेकेशन कैसा था, तो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ना हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एलेग्रा और चेस्टर कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि ये एक डेट के लिए पूछ रहे हैं बट नहीं, वो दोनों ही एज फ्रेंड्स जा रहे होते हैं कॉफ़ी के लिए, तो वो ऑकवर्डनेस भी दिखाते हैं एक दूसरे को।
और उसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है और हम देखते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में कि किलर फ्रॉस्ट यहाँ पर पकड़ रही होती है चिल्ब्लेन को और वो पकड़ भी लेती है चिल्ब्लेन को, बट चिल्ब्लेन यहाँ पर दिखाता है किलर फ्रॉस्ट को कि उसकी गवर्नमेंट के साथ एक डील हुई है और अब वो भी अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा है, तो वो और उसकी टीम अब उसको अरेस्ट नहीं कर सकते और ना ही आयरन हाइट्स में डाल सकते हैं अब, नॉट एनी मोर। तो चिल्ब्लेन भी अब अच्छी साइड पर हो गया है, तो हो सकता है शायद प्लॉट ट्विस्ट हो, मतलब आगे जाके वो फिर से विलन बन जाए, मैं नहीं जानता। बट इस एपिसोड में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था या फिर जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि हाँ मैं आज वीडियो डालने वाला हूँ एक हफ्ते बाद, तो हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स भी इंटरेस्टेड हो। बट ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा वीक था और इस एपिसोड का जो प्लॉट था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, मतलब करेक्टर्स को खुद भी नहीं पता था कि वो लोग ये क्या कर रहे हैं, और ख़ासकर अगर इस शो का नाम फ्लैश है तो बेरी का होना ज़रूरी है, इन्हें ये चीज़ समझनी होगी। ये ऐसा दूसरा एपिसोड है सीज़न 7 के अंदर जहाँ पर बेरी मिसिंग था, मतलब आयरिस उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं जानता हूँ आयरिस ऑन बेसिस ऑफ लव इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब बेरी के लव इंटरेस्ट के तौर पर ही इम्पॉर्टेंट है आयरिस, बट बेरी तो इम्पॉर्टेंट है, बेरी को तो एटलीस्ट एपिसोड्स के अंदर रखो। मैं जानता हूँ कि एक्टर्स थक जाते हैं और वो भी हमारी तरह ह्यूमंस ही हैं, बट ऑफकोर्स अगर शो का नाम फ्लैश है तो यार कोई पॉइंट नहीं बनता शो को देखने का जब तक उसके अंदर बेरी या फिर फ्लैश गिरी ना हो थोड़ी बहुत, मतलब ऑफकोर्स कम से कम 2-3 सीन्स के लिए तो फ्लैश को दिखाना चाहिए था, चाहे उसको बाद में इंजर्ड दिखा दे दे कि फ्लैश अल्ट्रावायलेट की रेस से फिर से इंजर्ड हो गया है तो इसलिए ये लोग लड़ने गए हैं, बट ऐसे प्लॉट चेंज करना ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ थी। बट ठीक है, ये एपिसोड ख़त्म हो गया है तो हम इसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है, मतलब आखिरकार 1-1.5-2-3 मतलब जितने भी महीने हमने वेट किया वो अब वर्थ इट होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखने वाला है फाइनली गॉड स्पीड, असली वाला गॉड स्पीड। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट एपिसोड विल बी बैंग ऑन, और जिन लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा है वो देख लो जाके, और जिन लोगों ने देख लिया है वो अब कमेंट सेक्शन में बता देना कि एपिसोड कैसा लगा, अच्छा था बुरा था। वैसे मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड बहुत बुरा था, जब मैं ही बुरा कह रहा हूँ तो ऑफकोर्स सभी बुरा कहेंगे, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा होगा क्योंकि कुछ लोगों को एलेग्रा को देखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सूडियर वॉन को देखना अच्छा लगता है, तो सबकी चॉइसेस अलग होती है। तो तुम्हें जैसा भी लगा ये एपिसोड वो बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब करे कहीं मत जाना ऐसे ऑसम वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।